मुझसे आज मुझको मिला दे, देखूं आदतों में तू है के नहीं, हर सांस से पूछ के बता दे, इन फासलों में तू है के नहीं। चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सेकंड फ्रेट पे के को लगाया मैंने इसको इजी करने के लिए। अब कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो जो पहला कॉर्ड है वो है ए माइनर, ए माइनर। उसके बाद है एफ मेजर, ठीक है। उसके बाद है जी मेजर, उसके बाद है ई माइनर, लास्ट में डी माइनर, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हैं, फिर से देख लेते हैं। ए माइनर, उसके बाद है एफ मेजर, जी मेजर, ई माइनर, लास्ट में डी माइनर, ठीक है। जितने कॉर्ड्स यूज हुए हैं, आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं रिदम पैटर्न और प्लगिंग पैटर्न की तरफ। तो जैसे मैंने ए माइनर कॉर्ड पकड़ा है, ठीक है, और इसमें जो प्लगिंग यूज की है वो सिंपली 5-4-2-3 है, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट प्लगिंग पैटर्न है 5-4-2-3, ठीक है। 5-4-2-3 या 5-4-3-2 भी कर सकते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है। बस ये ख्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपको बेस नोट हिट करना है, उसके बाद आप कोई भी पैटर्न प्ले कर सकते हैं। तो ए माइनर 7 के लिए 5-4-2-3, एफ मेजर के लिए भी सेम है 5-4-2-3, ठीक है। जी मेजर के लिए कर दिया है 6-5-1-2, ठीक है। ई माइनर के लिए भी 6-5-2-3, ठीक है। एंड डी माइनर के लिए है 4-3-1-2, ठीक है। तो इस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, अगर आप कोई भी पैटर्न आपको यूज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना ख्याल रखना है कि जो भी कॉर्ड पकड़े उसका बेस नोट सबसे पहले हिट करना है, उसके बाद आप कोई भी पैटर्न प्ले करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ए माइनर के लिए 5-4-2-3, एफ मेजर के लिए 5-4-2-3, जी मेजर के लिए 6-5-1-2, ठीक है। ई माइनर के लिए 6-5-2-3, डी माइनर के लिए 2-3-1-2, ठीक है। बस अब जो रिदम मैंने यूज की है इसमें रिदम है डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन, और जो लास्ट में डाउन अप है वो एज अ फिलर काम करेगा जब आप कॉर्ड को स्विच करेंगे या कंटिन्यूअसली रिदम को प्ले करेंगे, ठीक है। तो हम एक्स्ट्रा डाउन अप अलग से नहीं लगाएंगे क्योंकि हम इसको रिदम में ही काउंट कर रहे हैं, ठीक है। डाउन डाउन एंड अप अप डाउन down and down 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 up up down 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 up up down down down, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोक्स इसमें 8 हैं। डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन एंड डाउन अप, ठीक है। तो 8 स्ट्रोक्स हैं, 2 डाउन है, 2 अप है, अगेन 2 डाउन है, फिर डाउन 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 अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। जो पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड एफ मेजर, ये दोनों लाइनों के लिए इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो इसमें जो प्लगिंग पैटर्न यूज किया था हम वही करेंगे। आप अगर सिंगल सिंगल स्ट्रोक मारे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। एफ मेजर, जी मेजर, एफ मेजर, तू है नहीं, नेक्स्ट लाइन एग्जैक्टली सेम है, अरे सांस से पूछ के बता दे, इन फासलों में तू है के नहीं, ठीक है। तो दोनों की जो प्रोग्रेशन थी एग्जैक्टली सेम है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम हम प्ले करेंगे तो जो सेकंड लाइन है उसमें सिर्फ इतना चेंज आएगा कि ए माइनर और एफ मेजर के बाद आपको
जी मेजर की जगह ई माइनर यूज करना और लास्ट में एफ मेजर, ठीक है। पहली लाइन की जो प्रोग्रेशन रहेगी वो सेम रहेगी, ए माइनर एफ मेजर जी मेजर एंड एफ मेजर। जो सेकंड लाइन है ए माइनर एफ मेजर ई माइनर एंड एफ मेजर रहेगी, ठीक है। तो इसको प्ले करके दिखा देता हूँ फिर से, जब ये सेकंड टाइम हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी, इसमें चेंज है, अरे सांस से पूछ के बता दे, यहाँ पे ई माइनर लगेगा, ला 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 तू है के नहीं, ठीक है। तो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन है वो है डी माइनर टू ई मेजर, ठीक है। तो इसमें भी हम प्लकिंग यूज कर लेंगे, 4 3 1 2 एंड लास्ट में ई मेजर पे सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, तो आप चाहे तो इस पे भी सिंगल स्ट्रोक यूज कर सकते हैं और ई मेजर पे भी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लाइन की प्रोग्रेशन वो है ए माइनर टू ई माइनर एफ मेजर टू जी मेजर, उसको दो बार प्ले करना है। यहाँ से रिदम भी शुरू होगी, तू इसको हमें दो बार प्ले करना है, ठीक है। तू ठीक है, अब वर्स पे आते हैं। उसकी जो प्रोग्रेशन है वो है ए माइनर एफ मेजर जी मेजर ई माइनर जी मेजर एंड से देख लेते हैं, ए माइनर एफ मेजर जी मेजर ई माइनर जी मेजर एंड एफ मेजर, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो फिर से इसको देख लेते हैं, F major रास्ता वो, G major तू लगे, E minor आएंगे, नींद से जो आँख का है, G major वास्ता वो, F major तू लगे। अब सेम जो प्रोग्रेशन है दोनों लाइनों को एग्जैक्टली रिपीट होगी नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, ठीक है। इसको एक बार फिर से प्ले करके दिखा देता हूँ साथ में, बाद हमें अपना जो प्री कोरस है उसको रिपीट कर देना, पास पास तेरे और मेरे पास तू है, इसको रिपीट कर देना है बस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और इसका जो नेक्स्ट वर्स है एग्जैक्टली पहले वर्स की तरह है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो आई होप आप उसको प्ले कर लेंगे, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर लेसन अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।